subscribe my channel Disclose for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, this is Sujit Kundu and welcome you guys to my channel Disclose for Human. तो आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से है, मतलब यूपीएससी एग्जाम, उसमें बी और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 581 और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है आपका 22 अक्टूबर। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अपना वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप पहले मेरे वेबसाइट पे आ जाइए, मेरे वेबसाइट पे आके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो जब आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में एकदम पहले आप लोग देख सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट 2019। तो जैसे कि मेरा ये एकदम लास्ट अपडेटेशन है तो इसलिए एकदम पहले दिखा रहा है, अगर आप लोग थोड़ा बाद में चेक करते हो तो ये नोटिफिकेशन इसी पेज में रहेगा, क्योंकि इस पेज में मैं सब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट करता हूँ। तो चलिए रीड मोड कर लेते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं एंड देन चेक आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एकदम पहले आप लोग देख सकते हैं एकदम कैपिटल एंड बोल्ड में लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019। तो इसका आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 22 अक्टूबर 2018। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कौन सा कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर मतलब कौन सा कैटेगरी में अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप देख लेते हैं आप अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। तो एट फर्स्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 9 पोस्ट है। तो फर्स्ट इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, सेकेंड इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, थर्ड सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, फोर्थ आपका हो गया इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज सर्विसेज, फाइव हो गया सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर रोड्स ग्रुप ए, सिक्स हो गया सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विस, सेवन हो गया ए सिविल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एट हो गया आपका ए इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, नाइन हो गया ए इन एमईएस सर्वेयर कार्ड। तब देख लेते हैं कैटेगरी टू मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 10 पोस्ट है। नंबर वन इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, नंबर टू इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, नंबर थ्री सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, नंबर फोर इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री सर्विस AWM और JTS, नंबर फाइव डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस और SSO2, नंबर सिक्स AEE इन GSI इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप ए, नंबर सेवन इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, नंबर एट इंडियन नावल आर्मामेंट सर्विस, नंबर नाइन असिस्टेंट नावल स्टोर ऑफिसर ग्रेड वन इन इंडियन नेवी, नंबर टेन AEE इन बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस। तो आप देख लेते हैं कैटेगरी थ्री मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो इसमें आपका टोटल 7 पोस्ट है। नंबर वन इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नंबर टू इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, नंबर थ्री सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, नंबर फोर इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, नंबर फाइव इंडियन नावल आर्मामेंट सर्विस, नंबर सिक्स असिस्टेंट नावल स्टोर ग्रेड वन इन इंडियन नेवी एंड नंबर सेवन AEE इन बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस। तो अभी देख लेते लास्ट मतलब कैटेगरी फोर बट नॉट द लिस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए आपका 8 पोस्ट है। तो नंबर वन इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर, नंबर टू इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, नंबर थ्री इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस ग्रुप ए, नंबर फोर इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री सर्विस AWM और JTS, नंबर फाइव इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ग्रुप ए, नंबर सिक्स इंडियन नावल आर्मामेंट सर्विस, नंबर सेवन असिस्टेंट नावल स्टोर ऑफिसर ग्रेड वन इन इंडियन नेवी एंड नंबर एट जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ग्रुप बी। तो अगर आप क्रैक करते हो एग्जाम तो आपको इस पोस्ट में दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम के लिए आपको इतना सारा सेंटर मिलेगा इतना सारा सिटी पे, और मेन पे थोड़ा कम है मगर बहुत ही है। तो ये सिटी में आपको सेंटर मिलेगा।
तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते थे, मतलब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट आपको 21 से 30 साल के अंदर होना चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट, और जैसे कि इंडियन रूल के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी एसटी के लिए हो गया 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का। तो ये और हाँ, इस कॉलम क्या है, ये कॉलम अगर आप किसी भी जॉब, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप नौकरी कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस एग्जाम के लिए, तो जैसे कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में नौकरी कर रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर यही कॉलम दे दिया है, ये एक बार चेक कर लीजिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग चले जाते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आईएएस एग्जाम के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग एजुकेशन होना, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो और कुछ दिया है, जैसे कि ऑप्टेन ए डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशन अंडर कंडीशन एस में रिकॉग्नाइज इन गवर्नमेंट फॉर द पर्पस फॉर टाइम टू टाइम। नंबर यहाँ पर देखिए, जैसे कि ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स और पास्ट एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन पार्ट्स 2 and 3 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पास्ट ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियर्स लंडन हेल्ड आफ्टर नवंबर 1959। तो अगर ये सब भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग वो चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप जनरल वालों में से हो, जनरल एंड ओबीसी, तो आपको 200 rupees पे करना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल एससी एसटी एंड पीएच में से हो तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। और ये पैसा आप कैसे देंगे, ये सवाल आता है। तो आप ये पैसा ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं और पे बाई कैश भी कर सकते हैं, मतलब बैंक में जाके आप कैश में भी पे कर सकते हो। तो बैंक में जाकर अगर आप कैश में पे करना चाहते हो तो आपको पे बाई कैश ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक चालान निकलेगा, चालान को आपको प्रिंट करके बैंक में जाके 21 अक्टूबर के अंदर ये सबमिट करना होगा। तो जैसे कि नॉर्मली लास्ट डेट है आपका 22 अक्टूबर, मगर आप अगर पे बाई कैश करते हो तो आपको पेमेंट 21 अक्टूबर के अंदर करना पड़ेगा। तो और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो नो प्रॉब्लम, आप 22 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कैसा एग्जाम होगा, एग्जाम आपका एग्जाम पैटर्न, तो वो देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा। तो ये आ गया आपका एग्जाम पैटर्न। तो 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका होगा एमसीक्यू टाइप, स्टेज 2 में होगा आपका कॉन्वेंशनल टाइप एंड स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू। स्टेज 1 में आपका 2 पार्ट में होगा, 200 पेपर 1 एंड पेपर 2, एक होगा 200 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का, ये दोनों आपका पेज 1 में ही रहेगा। तो एंड मेन एग्जाम, अगर आप प्रीलिम एग्जाम क्रैक करते हो तो आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, तो उसमें आपको 600 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें भी 2 पेपर रहेगा 300 मार्क्स करके फॉर ईच। अगर आप वो क्रैक करते हो तो आप चले जाओगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, वो आपका 200 मार्क्स का होगा। तो ये जो 600 प्लस 200, 800 एंड 500 मतलब होगा 1300 टोटल मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो यही है, तो अभी देख लीजिए, जैसे कि आपका स्टेज 1 में प्रीलिम एग्जाम में आपका पेपर 1 रहेगा फॉर 2 घंटे के लिए 200 मार्क्स का, एंड पेपर 2 रहेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन 300 मार्क्स का फॉर 3 आवर्स। और अगर ये आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेन एग्जाम के ये होगा, जैसे कि सपोज अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हो तो आपको 2 कॉन्वेंशनल पेपर देना पड़ेगा 300 करके, 3 घंटा 3 घंटा, मतलब टोटल 6 घंटा का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको पर्सनलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं कि सिलेबस, तो ये पर पूरा एग्जाम सब डिटेल्स में दिया हुआ है कि सिलेबस आपको कैसा रहेगा, पेपर 1 के लिए सिलेबस कैसा रहेगा। जैसे कि सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हो तो पेपर 1 के लिए ये सब टॉपिक्स रहेगा, पेपर 2 के लिए ये सब टॉपिक्स रहेगा, पूरा एकदम दे दिया है आपको, आपका ट्रेड वाइज जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सब दे दिया है। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है,
ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया है। अगर आप क्रैक करते हो तो बहुत ही अच्छा पोजीशन में आप चले जाओगे। सो दैट्स इट गाइस, अप्लाई करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे आ जाइए। मेरे वेबसाइट पे आके यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑन लिंक, क्लिक हेयर कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू, आप रजिस्टर कर लीजिए। सो दैट्स इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस यही बोलना था इस वीडियो में। तो सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी। एंड गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, आई यूज टू पोस्ट दिस टाइप ऑफ वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।